आंवला में लगातार भ्रष्टाचार अपने पांव पसार रहा है। आंवला में वकीलों के लिए बनाए जाने वाले सभागार में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। सभागार के निर्माण में भारी धांधली कर कमीशन खोर अपनी जेबें गर्म करने में लगे हैं, तो वहीं अधिकारी हैं कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। पदाधिकारियों की ऐसी नजरअंदाजी से भाजपा सरकार का वर्चस्व गर्त में गिरता हुआ नजर आ रहा है। ना तो भ्रष्टाचारियों की ओर किसी का ध्यान जाता है और ना ही इनकी शिकायत करने पर कोई जांच होती है। औला नगर पालिका ने या उसके अध्यक्ष ने एक भी ऐतिहासिक काम नहीं करा है। हाँ, दो चार ऐतिहासिक काम हमारी जानकारी में जरूर है। सुपर सीट के दौरान ये 2,35,27,716 का गमन करा था राजेश कुमार सक्सेना ने, और संजीव सक्सेना इसमें बराबर के भागीदार हैं। अगर संजीव सक्सेना इसमें भागीदार नहीं है तो मंडल आयुक्त ने शासन को कार्रवाई के लिए लिखा है, पर संजीव सक्सेना को कुछ नज़र नहीं आ रहा है। संजीव सक्सेना ऐसे भ्रष्ट यू से खुश हैं, उसके साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और यदि अगर वो पाक साफ हैं तो ऐसे यू पे कार्रवाई के लिए अपने स्तर से भी एक लेटर लिखें, ताकि जनता का 2,35,27,716 रुपए का रिकवरी हो सके। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के थाना रुद्रपुर अंतर्गत ग्राम छपोली निवासी की बीती 1 सितंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में रुद्रपुर में अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रुद्रपुर पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही थी। और आज वनस्पति चौराहा के पास से तीनों हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ शुरू की, जिसमें अभियुक्तों ने हत्या की बात कबूली और साथ ही ये बताया कि मृतक ब्रजमंगल को जमीन के पैसे के लेन देन के विवाद में हत्या की गई थी। तो एक अपराधी था जो बंद था, जमानत पर रिहा और उसकी हत्या हुई थी, उस मामले में कुछ लोग पकड़े गए हैं। क्या मामला था, किस वजह हत्या हुई थी? थाना रुद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत रामलक्षण चौकी के पास बेलकुंडा में 1 सितंबर की शाम को एक अज्ञात व्यक्ति के बारे में जानकारी हुई कि कुछ लोगों ने उसे गोली मार दिया है। उस घटनास्थल का निरीक्षण करने पर और वहाँ जानकारी करने पर पता चला कि यह व्यक्ति थाना रुद्रपुर क्षेत्र का रहने वाला है और 302 के एक मामले में 2012 से जेल में था। अभी 4-5 महीने ही छूट करके जेल से आया है। जब इस संबंध में पुलिस ने गहराई से छानबीन की तो पता ये चला कि इसकी ये जो ब्रजमंगल नाम का व्यक्ति था जिसकी हत्या हुई है, जब यह जेल में था तो इसके बगल के रहने वाले एक राम प्रवेश मिश्रा ने इसकी पत्नी को फाइनेंशियल कई बार सपोर्ट किया और बेल भी उन्होंने ही कराया, और इस बीच में उनके इसकी पत्नी से अवैध संबंध हो गए। जो व्यक्ति जिसका अवैध संबंध हुआ है वह साधुवेश में रहता है और लखीमपुर खीरी सीतापुर और यहाँ कई स्थानों पर उसके इस तरह के लोग हैं, कई जगह उसने अपना परिवार बसा रखा है। इसकी जो मृतक है उसकी पत्नी भी उसके साथ कई महीनों गोरखपुर में रही है। बाद में पैसे वापस करने को लेकर के जब उसने असमर्थता व्यक्त की और इन संबंधों के बारे में मृतक को जानकारी हुई, उसने विरोध किया, फिर इस व्यक्ति ने। देवरिया भारत संचार निगम लिमिटेड में कर्मचारी यूनियन की मान्यता हेतु आज पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं। वहीं BSNL कर्मचारियों का कहना है कि अभी तक उन्हें अगस्त माह का वेतन ही नहीं प्राप्त हुआ। चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होंगे। चुनाव न कराने के लिए बड़े संगठनों ने इसकी सूचना लिखित रूप से दूरसंचार विभाग को दी थी। बताते चले कि दूरसंचार जनपद देवरिया के अंतर्गत दोनों जनपदों देवरिया और कुशीनगर में एक एक बूथ पर बनाए गए हैं। पहला बूथ C-DOT दूरभाष केंद्र सिविल लाइन रोड देवरिया, जहां कुल 57 मतदान अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, जहां कुल 14 मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देवरिया ऐसे में मुख्य रूप से 3 यूनियन चुनाव लड़ रहा है। BSNL में 8वां सदस्यता सत्यापन हो रहा है। प्रशासन द्वारा जो है अभी तक हम लोगों को अगस्त माह का वेतन नहीं मिला है, लेकिन सबसे बड़ी यूनियन कर्मचारियों की BSNL एम्प्लॉय यूनियन और सेकेंड नंबर की यूनियन NFT ने लिखित रूप से प्रशासन को दिया था कि अभी चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि BSNL के पास फंड की कमी है। लेकिन प्रशासन नहीं माना, कहा कि नहीं, हम चुनाव कराएंगे। और इस चुनाव में मुख्य रूप से
बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन चुनाव लड़ रही है। पिछली बार भी वह नंबर वन पे थी, दूसरे नंबर पे एनएफटी यूनियन थी और अन्य यूनियनों का कहीं अता पता नहीं था। साथ ही जिस यूनियन को 51% से ज़्यादा वोट मिल जाएगा वो अकेले प्रशासन से बात करने के लिए अधिकार रखेगी। अगर किन्हीं कारणवश 51% से कम वोट मिलता है यूनियनों को तो दो यूनियनों को मान्यता दी जाएगी जो प्रशासन से अपनी बात रख सकें। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन पूरे देश में एक बार फिर 51% से ज़्यादा मत पाकर अपना झंडा लहराएगी। यही एक यूनियन है जो सभी यूनियनों को साथ में लेकर चलती है और संघर्ष करती है। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राजनंदन गुप्ता है, मैं बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन का जिला सचिव हूँ और हमारे बगल में हमारे श्री रविंदर यादव हैं जो हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं और सभी हमारे यहाँ पदाधिकारी गण उपस्थित हैं और तन मन धन जोर लगा के बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन के पक्ष में वोट कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम यहाँ से विजयी होंगे और पूरे ऑल इंडिया और यूपी सर्किल में भी विजयी होंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी जनपद के करहल थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा पलटा, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बताते चले कि मैनपुरी से इटावा जा रहा तेज रफ्तार ट्रक अचानक सामने आ रहे गाय को बचाने के चक्कर में असंतुलित होकर सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसा, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। चैन स्नैचिंग और लूट की बढ़ती वारदात को गंभीरता से लेते हुए ग्वालियर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट के सामान के साथ 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से चैन स्नैचिंग की गई 4 सोने की चैन और लूट के दौरान उपयोग में लाई हुई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। उनको पतासाजी में कंपनी पुलिस ने एक बड़ी सफलता अर्जित की है और जो गैंग है उसके 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और जिनके नाम आकाश जाधव, कृष्णकांत त्यागी और सौरभ शर्मा, इनके पास से 4 सोने की चेन जो है वो बरामद की गई है, 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि ये जो ज़्यादा उम्र की वृद्ध महिलाएँ जो मंदिर या पार्क तरफ जाती थी उनको ये चेन की लूट करते थे और इस तरह से ये कंपू पुलिस द्वारा एक अच्छा जो इन्वेस्टिगेशन करके इनको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनसे आगे भी अभी रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जाएगी। कई इनके कंपू की घटनाएं, माधोगंज की घटनाएं, लेकिन गोले के मंदिर की भी घटनाएं हैं। ये तो एक रैकी घूमते रहते थे, जहाँ भी मौका इनको हाथ लग जाता था वहाँ ऐसे। इनका बैकग्राउंड क्या है? ये 12वीं पास है, छोटे मोटे काम करते हैं और ये सबलगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। यहाँ आकर के किराए से कमरे में लेकर के कंपू के पास रहते थे और ये घटना करते थे। ये एक जो इसमें से पहले आकाश है ये काफ़ी समय से रह रहा है, बाकी बाद में आए हैं और ये सभी यहाँ किराए के कमरे से रह रहे हैं। बीसलपुर बांध के गेट खोलने के कारण बनास नदी में उफान आ गया, जिससे उपकर प्रशासन ने पानी की आवक को देखते हुए चिकित्सा विभाग की टीम ने काठड़ा गांव में चिकित्सकों को मरीजों के उपचार के लिए भेजा है। योगी सरकार में भू माफियाओं के हौसले बेहद बुलंद हो रहे हैं। सफेद नगापोशों दबंगों द्वारा 24 बीघे जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये दबंग पीड़ित परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, जिसके संबंध में FIR दर्ज होने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरठ की पुलिस की लापरवाही से दबंगों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं और ये खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। अब देखना यह है कि पीड़ित परिवार को किस तरह SSP दबंगों से निजात दिलाते हैं और कब तक भू माफिया प्रशासन से बेखौफ होकर खुलेआम घूमते रहेंगे। समिति के पीड़ित 70 लोग हैं और विजय पाल के नाम से ये एप्लीकेशन ये भी देखे गए हैं और हमारे इस पर भी उन्होंने तो बताया है कि इन लोगों की 24 बीघे ज़मीन है जिस पर इनके प्लॉट भी रजिस्टर्ड हैं।
बैनामी भी करा रखे हैं, पर ये जब वहाँ पर अपना बनाने जाते हैं तो कुछ भूमाफिया के लोग वहाँ पर आते हैं और इनके साथ दबंगाई करते हैं और मारपीट करके चले जाते हैं। इन्होंने पहले भी कई बार एप्लीकेशन दे रखी है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विजयवासी ने अभी एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसकी जांच जो थाना मेडिकल से कराई जा रही है, इंस्पेक्टर मेडिकल को इसकी जांच दी गई है और इनका एक मुकदमा भी कायम है, उसमें भी विवेचना हो रही है और दोनों में जांच करें, जो बिल्कुल सही कार्रवाई वो कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी, जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये वहाँ मकान वगैरह बनाने जाते हैं, बाउंड्री कराने जाते हैं, इसकी जाँच कराई जाएगी, इनके प्रार्थना पत्र की जाँच कराएगी, इनके जो केस दर्ज है उसमें भी जांच कराई जाएगी, जो सही होगा वो कार्रवाई होगी। उनका कहना है 6 महीने से पहले से ही जांच चली है, विवेचना प्रचलित है, उसमें समय लगता है, ऐसे केसेस में जांच करके सही कार्रवाई होगी। किन लोगों ने, क्या नाम है उनका? उनका है इंद्रजीत सिंह, अश्वनी कुमार शर्मा, सुमन, अमित भड़ाना, ईश्वर, राजवीर, ये सब ऐसे लोग थे। अब क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि FIR दर्ज होने के बावजूद भी, कमिश्नर के आदेश के बाद, DM के आदेश के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। SSP साहब का क्या कहना है? SSP साहब ने तो बस इतना करा कि जांच वो FIR करा के अब विवेचना चल रही है, अब 6 महीने से विवेचना ही चल रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसी दबंगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही। बिल्कुल, हमारी जमीन है शास्त्री नगर में चाणकपुरी के पास में, उसके पास और उसका नक्शा सोसाइटी का पास हो चुका है और वहाँ काम करने जाते हैं मेंबर लोग, तो वहाँ जो है कुछ बदमाश हैं जिसमें एक लेडी भी है, वो आगे कर देते हैं उसे, वो बदतमीजी करती है और ना किसी को काम करने देती है, तोड़ फोड़ सब दीवारों को तोड़ रही है, कुछ कर रहे हैं, मतलब गुंडागर्दी करने कहते हैं कि पैसे दो या प्लॉट दो, नहीं तो हम तुम्हें काम करने देने के। इसके लिए हमने शिकायत भी करी तो FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन पुलिस उनसे मिली हुई है, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही किसी तरह की। आज भी हम मिले हैं तो ठीक है, इंस्पेक्टर से मिल लेना, बस इतनी कार्रवाई हुई है खाली, इंस्पेक्टर से मिल लेना। बहराइच जनपद के ग्राम पंचायत में लोगों ने कोटेदार व प्रधान के खिलाफ जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है। लोगों का कहना है कि कोटेदार अंगूठा लगवाकर भी राशन नहीं देता और ग्रामीणों को टरका देता है और बाद में राशन खत्म होने की बात कहकर उन्हें कोई राशन नहीं देता। ग्रामीणों ने जिला पूर्ति अधिकारी अनंत कुमार को एक पत्र दिया है। जिला पूर्ति अधिकारी अनंत कुमार ने आश्वासन दिया है कि जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार द्वारा युवाओं को नौकरी दिए जाने पर दिए गए बयान के विरोध में आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कांग्रेसियों ने केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंका। कांग्रेसियों ने केंद्रीय मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से हटाने की मांग करते हुए कहा कि मंत्री जी युवाओं से माफी मांगे, नहीं तो इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र सरकार के मंत्री हैं, श्रम राज्य मंत्री बरेली के सांसद संतोष गंगवार जी, जिस प्रकार उन्होंने कल एक बयान में निंदनीय बयान नौजवानों और छात्रों के लिए दिया है, उत्तर पूर्वी भारत का छात्र नौकरी के लायक नहीं है, हमें शर्म लगती है ऐसे मंत्री को। और प्रधानमंत्री जो ट्विटर में छोटी छोटी बातों के लिए हमेशा रिट्यूट करते हैं और इस तरीके के मंत्री ने जो बयान दिया है, तत्काल प्रभाव से उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम मोदी जी को कराना चाहिए और हम चाहते हैं उत्तर भारतीयों से वो माफी मांगे और यदि आइंदा ऐसा काम होता है तो हम सड़क से सदन तक लड़ने का काम करने का कर। क्या नाम है भैया? मनीष पटेल, युवा कांग्रेस जिला। गंगवार जिन्होंने हमारे नौजवान भारतीय नौजवानों के लिए उन्होंने कहा था कि जो है जो उत्तर भारतीय नौजवान है वो नौकरी पाने के काबिल नहीं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो है भारत जो उत्तर प्रदेश के भारतीय लोग हैं, नौजवान है, वही सबसे ज़्यादा, चाहे जो भी रिजल्ट उठा के देखे, चाहे आप IAS का रिजल्ट देखे, चाहे PCS का रिजल्ट देखे, जिस तरह से मोदी सरकार धर्म के नाम पर बांटती है, आज हमारे गंगवार जी हमें क्षेत्रवाद क्या मांग क्या है आप, ऐसे नेता को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए कि जैसे ऐसे बयान करने वाले व्यक्ति को जो संसद जैसे इतना और मंत्री होने के बाद आप ऐसे बयान यदि देते हैं तो आपको जो है बयान से हम तत्काल जो है आपको माफ़ी मांगना चाहिए और जो है आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। माध्यम से हमने देखा और आज पेपर में आप सब पेपरों में आप उठा के देखे, मीडिया ही सबको, जैसे आज हमने एक कार्यक्रम किया, हमको मीडिया आप लोग हमारी बात को रखते हैं। मैं युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष राजन तिवारी हूँ। बुलढाणा जिले के गांव में अवैध सट्टे का कारोबार खूब फल फूल रहा है। यहां मटका और कंप्यूटर ऑनलाइन चक्री के द्वारा सट्टा खेला जा रहा है। ये चक्री सिर्फ एक मिनट के लिए खुलती है। गरीब जनता से लूट करने वाला ये कारोबार मोताला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत खुलेआम चल रहा है। सरकार की ओर से सट्टा मटका बंदी के बावजूद भी ये चलता है। अब सवाल ये है कि सट्टा मटका खबर के बाद सोया हुआ पुलिस प्रशासन आखिर कब तक जागेगा?
बहराइच सिटी में भले ही केंद्र सरकार प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन चलाए जा रहे हो, लेकिन बहराइच सिटी के बख्शीपुरा नई बस्ती में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बस्ती में घोषियाना बाग आरसीसी का निर्माण के बाद टूटी हुई नाली को अभी तक सही नहीं कराया गया। कई बार शासन प्रशासन से ऑनलाइन शिकायत भी की गई पर कोई निस्तारण नहीं हुआ।